हेलो फ्रेंड, टुडे लेटेस्ट अपडेट में अभी हम बात करने वाले हैं बीसीएस इन्फोटेक एमपीएस इन्फोटेक की टुडे लेटेस्ट अपडेट के बारे में एंड बात करेंगे इसके टारगेट के ऊपर। जो यहाँ पे कई लोग यहाँ पे कई दिनों से कमेंट कर रहे हैं कि सर ये यहाँ पे किस तरफ जाएगा, 50 पैसे पे जाएगा या 10 रुपए पे, तो उसकी भी अभी हम बात कर लेते हैं। एंड सेलिंग प्रेशर तो कम हुआ ही हुआ है, उसके साथ फुल लेटेस्ट न्यूज़ की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं डायरेक्ट स्लाइड के ऊपर एंड जो प्राइस यहाँ पे चल रहा है 1.05 रुपए, उसके साथ वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना लेटेस्ट न्यूज के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के बटन पे हिट जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करे बगैर बिल्कुल मत जाना। 1.05 रुपए पे इस टाइम चल रहा है एंड कल की भी यदि देखें प्रीवियस क्लोजिंग तो इसी प्राइस पे थी एंड सुबह से 1.10 रुपए एंड 1 रुपए के बीच में प्राइस बॉन्ड में फंसा हुआ सा चलता रहता है, 1 रुपए तक आता है। 1 रुपए इसका बहुत अच्छा यहाँ पर सपोर्ट है, यदि 1 रुपए के नीचे जाता है तो फिर यहाँ पर 90 पैसे भी इसका एक सपोर्ट बन के सामने नजर आता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर तो अपर सर्किट में दिखाई दिखा है, क्योंकि यहाँ पे 1.06 रुपए था तो वो फिर से जो यहाँ पे पहले रहता था VSE का प्राइस अलग NSE का प्राइस अलग काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन थी, तो अभी भी शायद वही देखने को आपको मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे देखें तो NSE पे 1.10 रुपए हो चुका है एंड VSE की बात करें तो वो 1.05 रुपए, तो 5 पैसे का तो फ्लक्चुएशन इतने छोटे प्राइस पर, जब कोई शेयर 1 रुपए का है तो 5 पैसे का प्राइस फ्लक्चुएशन लगभग 5% हो जाता है, जो बहुत ज्यादा होता है। छोटे शेयरों में इतना प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। एंड उसके साथ यदि हम इसकी 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो 52 वीक जो इसका लो है वो 5 पैसे एंड हाई की बात करें तो 1.75 रुपए 1 फरवरी 2022 को अभी बनाया था, 1-2 महीने पहले इसने अपना हाई बनाया था 1.75 रुपए, उसके पहले से हम इस शेयर को लिए हुए जब एक बहुत अच्छी तेजी इसमें यहाँ पे शो होने को दिखी थी। यदि टेक्निकल एनालिसिस में बात करें तो 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज तो काफ़ी नीचे रहने वाला है, ब्लैक लाइन काफ़ी नीचे रहने वाली है एंड यदि बात करें तो अपनी येलो लाइन से लगभग अभी नीचे आ चुकी है, मतलब शॉर्ट टर्म बियरस मोड में पहुंच चुका है। बट यदि लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म बुलिश मोड में यहाँ से कभी भी वी शेप रिकवरी ले सकता है एंड यदि इसके सपोर्ट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट 1.10 रुपए पे है एंड कई बार 1.10 रुपए को ऊपर क्रॉस करते हुए भी जाता दिखा है आपको एंड इस टाइम भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि 1.10 रुपए 1.05 रुपए यही कुछ सपोर्ट रहेंगे एंड वी शेप रिकवरी इजिली कर लेगा। एंड यदि बात करें 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की तो 1.15 रुपए उससे थोड़ी सा नीचे 5 पैसे नीचे चल रहा है, 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से 35 पैसे ऊपर ही चल रहा है, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी जरूर शो हो रही होगी। उसके पहले यदि मैं आपको बात बताऊँ तो शेयर के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन तो रहती हैं, उसके साथ एक बहुत बड़ी तेज़ी के बाद अभी इसमें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती कि ये यहाँ पे 50 पैसे जाएगा, इसकी एक्सपेक्टेशन आगे की ही की जा सकती है, 1 रुपए या 1.05 रुपए यही सपोर्ट होते हुए ये वी शेप रिकवरी आगे चल के आपको दिखा सकता है। बकायदा यदि वॉल्यूम एनालिसिस की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 करोड़ के वॉल्यूम यहाँ पर लगातार 2 दिन कल के दिन एंड आज के दिन इसमें देखने को मिले। उसके साथ यदि डिलीवरी की बात करें तो पिछले टाइम कल के दिन यहाँ पर 3 करोड़ शेयरों की 47%, उसके पहले 61% 65% की डिलीवरी देखने को लगातार मिलती रही है। 3 करोड़ शेयरों की डिलीवरी कल के दिन उठने को देखने की मिली, वही यदि आज की डिलीवरी की बात करें तो आज के दिन 1 करोड़ 45 लाख 1 करोड़ 45 लाख की डिलीवरी देखने को मिली, 46% की डिलीवरी यहां पर रही है। एंड यदि NSE की बात करें तो NSE पर 2 करोड़ 3 लाख शेयरों की डिलीवरी 48%, तो टोटल नंबर ऑफ VSE एंड NSE की यदि डिलीवरी चेक करें तो 2 करोड़ 3 लाख एंड यहां पर यदि चेक करें तो 1 करोड़ 45 लाख, तो लगभग यहां 3 करोड़ 45 लाख की डिलीवरी सामने देखने को मिली है, 3 करोड़ 48 लाख, तो 4 करोड़ से डिलीवरी कम ही रहने वाली है। यहाँ पे भी यदि बात करें तो यही डिलीवरी सेम पैटर्न यहाँ पे 3 करोड़ का ही बनेगा, कि वही सेम डिलीवरी यहाँ पे परसेंटेज वाइज भी बात करें तो यही सेम डिलीवरी यहाँ पे 47 इधर है तो 46 इधर है एंड उसके पहले की यदि बात करें तो एक वही पैटर्न अभी कुछ और दिनों तक यहाँ पे चलने वाला है, मतलब यही जो सपोर्ट है आपके अभी कुछ दिनों तक और भी देखने वाले हैं, 1.10 रुपए एंड 1.05 रुपए पर टहलता हुआ और देख सकता है जब तक कि यहाँ पे एक 4 करोड़ 5 करोड़ की डिलीवरी यहाँ पे सामने नहीं आ जाती। जैसे एक बड़ी डिलीवरी यहाँ पे सामने आती है तो इस चैनल पे आपको सबसे पहले डिस्कशन जरूर कर ली जाएगी, वहाँ से आप एक अच्छी बाइंग करके एक अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। बकाया उसके लिए आप यहाँ वीडियो को लाइक तो कर ही देना, साथ में चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड यहाँ पे यदि बात करें आगे चल के AMO सेक्शन की तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर में बाइंग के लिए 1.05 रुपए पर बहुत बड़ी क्वांटिटी 30 लाख से ऊपर की क्वांटिटी यहाँ पे बाइंग के लिए बाइंग प्रेशर जरूर बना दिए, सेलिंग प्रेशर यहाँ पे कम हो चुका है, तो बाइंग के लिए बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे जरूर लगी है जो यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे गैप अप ओपनिंग दिखा सकती है। बकाया यदि हम बात करें बीसीएस इन्फोटेक की तो यहाँ पे
LTASM स्टेज वन में है, 377 करोड़ टोटल नंबर ऑफ शेयर एक ही फेस वैल्यू के साथ रहने वाले, एक ठीक ठाक शेयर आपको पेनी स्टॉक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ इस प्राइस पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको इजीली बाई करने की यहाँ पे सलाह दी जाती है। बकाया आप एक अच्छे लेवल पे और भी अच्छे लेवल पे यदि आप चाहें तो एक रुपये पे भी बाई कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा सपोर्ट है। एंड 0.50 वो तो यहाँ पे जाने को आपको बहुत ही रेयर केस में दिखेगा, बकाया ऊपर की तरफ एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है शेयर की, तो यहाँ पे आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।